सो दोस्तों, हमें आगे दिखाया जाता है नोआ को, जो कि लैब में बैठ के काम कर रहा होता है। तो उसके पास आ जाता है सिन और उससे कहता है, तुम अभी तक गए नहीं? तो यहाँ पे उससे नोआ कहता है, हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम हुई है ना हमारे प्रोजेक्ट में, मैं इसे ठीक कर लूँ। तो इसलिए मुझे यहाँ पर बैठ के आराम से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उससे सिन कहने लग जाता है, मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। तो यहाँ पे उससे कहता है नुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें हम सभी की गलती है। हमने इस चीज़ को अच्छे से देखा ही नहीं और सोचा नहीं कि इस तरीके से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। और यहाँ पे नुआ उसकी तरफ स्माइल करता है। तो यहाँ पे ना सिन कहता है, वो तो अच्छा है कि तुमने आज इसे देख लिया, अदरवाइज़ अगर हम कल प्रेजेंटेशन दे लेते और ये सब कुछ ख़राब होता टीचर के सामने, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो होता है ना नुआ, वो उसे साइलेंस रहने का इशारा करता है। तो यहाँ पे उसे काफ़ी ध्यान से देखने लगता है सिन। यहाँ पे वो कुछ बोलता है उससे, मतलब एक नोट पे लिखा होता है उसे पढ़ के सुनाता है और कहता है, मैंने बिल्कुल सही बोला ना। वही डायलॉग बोलता है जिस तरीके से यहाँ पे बार बार सिन हाथ जोड़ के प्रे कर रहा होता है, तो यहाँ पे उसे ऐसे बोलते हुए देख के कहने लगता है सिन, ये सब कुछ तुमने गूगल पे रिसर्च किया है क्या? तो यहाँ पे उससे कहता है फिर नुआ, हाँ, क्योंकि तुम कह रहे थे कि मैं रिसर्च करने में अच्छा नहीं हूँ, तो सोचा मैंने क्यों ना इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च किया जाए। वैसे मैंने करेक्ट बोला है ये सब कुछ या नहीं बोला? ऐसे यहाँ पे वो सिन से पूछने लग जाता है नुआ। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है क्रांति को, जो कि सोच रहा होता है कि आगे क्या करूँ। टेंशन है उसे आखिरकार कि उससे प्यार करता है यहाँ पे लियोन या फिर झूठ बोल रहा है। इसी चक्कर में हम देखते हैं वो ना कॉल मिला देता है डियाओ को। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं डियाओ भी उसे कॉल मिलाने ही वाला होता है, लेकिन पहले कॉल कर देता है यहाँ पे क्रांति। तो दोनों ही ना एकदम बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी एक एडवाइस चाहिए। तो फिर यहाँ पे डियाओ कहता है, तुमने पहले कॉल किया ना क्रांति, तो तुम पूछो। यहाँ पे कहने लगता है फिर उससे क्रांति, अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना था तो तुमने कॉल क्यों नहीं किया डियाओ? क्रांति से कहता है डियाओ, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, लेकिन इतने तुम्हारा कॉल आ गया। तो यहाँ पे क्रांति कहता है डियाओ से, तुम बताओ क्या पूछना था तुम्हें? तो यहाँ पे कहता है उससे डियाओ, नहीं तुम बोलो पहले। इसी चक्कर में थोड़ा टाइम वो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, तुम बताओ तुम बताओ। फिर डियाओ कहते हैं, अरे तुम बताओ, तुमने पहले कॉल किया है क्रांति। तो यहाँ पे ना कहने लगता है क्रांति, वो क्या है ना, कल रात लियोन और मैं, मतलब इतना ही बोलता है तो एकदम से दूसरी साइड से कहने लगता है डियाओ, क्या तुमने वो सब कुछ किया था? तो यहाँ पे उसे मना करने लग जाता है क्रांति, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे ना कल, क्रांति कहता है डियाओ से कि मुझे लियोन ने कल कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे आई लव यू बोला। तो यहाँ पे एकदम शॉक होता है डियाओ भी ये बात सुन के और कहता है, क्या कह रहे हो तुम सीरियस तो हो ना इस चीज़ को लेके जो तुमने अभी बोला है? तो यहाँ पे उसे क्रांति कहता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, लियोन ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे डियाओ कहता है, चेंज हो गया मतलब क्या, उसने तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ किया है? तो यहाँ पे ना एकदम से मना करने लगता है क्रांति, नहीं नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब वो बहुत चेंज हो गया, वो मेरी बहुत केयर कर रहा है, बहुत क्यूट बन गया है और बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है। और आगे कहता है, मुझे तो इन सब चीज़ों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि लियोन इस तरीके से बिहेव भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ सुनने के बाद डियाओ उससे कहता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो ये कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही। तो यहाँ पे कहने लगता है डियाओ, मैं समझ गया कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हें इस बात का डर है कहीं लियोन तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा ना करे, और उससे ज़्यादा डर है तुम्हें अगर लियोन को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया कि आखिर तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, तो फिर तुम्हें डर है कहीं ऐसा ना हो कि लियोन फिर तुम्हें प्यार करना बंद ना कर दे। सही कहा ना मैंने क्रांति? तो यहाँ पे क्रांति उससे कहता है, इसलिए तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बिना कहे सब कुछ समझ गए। तो यहाँ पे डियाओ आगे कहता है, मुझे लगता है क्रांति तुम्हें इस समय परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई टेंशन लेनी चाहिए, तुम खुश हो ना तो तुम्हें हैप्पी होना चाहिए इस समय, और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तो यहाँ पे उससे क्रांति कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। तो यहाँ पे डियाओ उससे कहने लगता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें कम से कम ये तो पता चल गया कि लियोन तुम्हारे बारे में क्या फील करता है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम इस बारे में सोचो कि तुम क्या फील करने लगे हो लियोन के बारे में, अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो जाओ क्रांति। और आगे कहता है, अगर तुम उससे प्यार करते हो और लियोन भी तुमसे प्यार करता है, तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि अपने इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करो। तो यहाँ पे ना क्रांति उससे कहता है, सही कहा तुमने, और यहाँ पे थैंक्स बोलने लगता है डियाओ को और कहता है, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, मुझे सही आइडिया देते हो, साथ में जो मेरा दिमाग इधर उधर भटकता रहता है ना उसे सेंस में लेके आ जाते हो। तो यहाँ पे उससे फिर डियाओ कहता है, ऐसी भी बात नहीं है। फिर क्रांति कहता है, अच्छा तुम बताओ क्यों कॉल करने वाले थे मुझे, क्या बात पूछनी थी? तो यहाँ पे ना थोड़ी देर कोई जवाब नहीं देता डियाओ। क्रांति कहता है, तुम कॉल पे हो तो हेलो? तो यहाँ पे डियाओ कहता है, हाँ। और फिर कहने लगता है, मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल तुम्हारी प्रॉब्लम के अपोजिट है। कहता है यहाँ पे कि मेरी फ़ाइट हो गई है
यी से। तो यहाँ पे क्रांति पूछता है ऐसा क्यों, क्या हो गया। तो यहाँ पे ड्याओ बताता है कि एकदम से मुझे कल यी ने किस किया था, और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया है, साथ में तुम्हारा ये जो एक्शन है उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे यी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और आगे यहाँ पे कहने लग जाता है ड्याओ मैं ना यी के घर में अब नहीं रहना चाहता। तो यहाँ पे फिर क्रांति कहता अच्छा, वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम ना ऐसा करो मेरे सीक्रेट वाले घर में जाके रह सकते हो। तो यहाँ पे ड्याओ उससे कहता है तुम सच कह रहे हो, क्या मैं वहाँ पे जाके रह सकता हूँ। तो यहाँ पे क्रांति कहता है हाँ तुम वहाँ पे जाके रह सकते हो। तो यहाँ पे ना ड्याओ बहुत प्यार से क्रांति को थैंक्स भी कहता है और फिर आई लव यू भी बोलता है और कहता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो यहाँ पे ये सब कुछ सुनने के बाद जो क्रांति होता है ना वो स्माइल कर रहा होता है। वहीं दोस्तों हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है यी और साथ में उसकी है यहाँ पे लियोन। तो यहाँ पे यी कहने लग जाता है लियोन से तुम बार बार अपनी घड़ी को देख रहे हो, तुम्हें जाने की जल्दी है ना, तो ऐसा करो तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे लियोन उसे कहता है तुमने ही तो मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया था। तो यहाँ पे आगे कहने लगता है उससे लियोन कि तुमने मुझसे कहा था तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन मुझे यहाँ पे आए हुए बहुत देर हो गई और तुमने मुझसे जब से कुछ भी नहीं कहा है। तो यहाँ पे उसे कहता है यी हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि अभी मैं उस बारे में सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे एकदम कहने लगता है लियोन पक्का ये बात ड्याओ से जुड़ी हुई है ना। तो यहाँ पे जो होता है यी एकदम से मना कर देता है। तो यहाँ पे स्माइल करते हुए थोड़ा सा उसे कहने लगता है लियोन तुम बहुत ज़्यादा टाइट लिप्स हो, कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है अगर ये बात वर्क से जुड़ी हुई होती ना तो तुम नॉन स्टॉप यहाँ पे बातें कर रहे होते। यहाँ पे ना ये पूछने लग जाता है लियोन से तुम्हारे और क्रांति के बीच सब कैसा है और कल की रात कैसी रही थी तुम्हारी। तो यहाँ पे स्माइल करते हुए कहने लग जाता है लियोन कल सब कुछ अच्छा था। हम देखते हैं यहाँ पे यी को जो कि ड्रिंक करने लग जाता है। यहाँ पे ना फिर कहने लग जाता है यी उससे लियोन से कि मुझे नहीं लगा था कि तुम और क्रांति इतनी जल्दी एक साथ आ जाओगे, मैंने तो सोचा था तुम उसके साथ स्ट्रिक्ट रहने वाले हो, तो शादी तक तो इंतज़ार करोगे ही। तो यहाँ पे जो होता है लियोन वो भी ड्रिंक करता है, फिर कहता है मैंने भी नहीं सोचा था इस सब के बारे में, और कहने लगता है यहाँ पे लियोन कि तुम मेरे बारे में बातें करना बंद करो और अब तुम अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओ कि तुम आगे अब क्या करने वाले हो। तो यहाँ पे ना ये कहता है कुछ नहीं करने वाला मैं, तो एकदम से यहाँ पे अपसेट हो जाता है ये सुन के लियोन और कहता है तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो बस यहाँ पे। और वो कहने लगता है क्रांति मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो हम देखते हैं वो जाने लगता है, तो यहाँ पे उसे आवाज़ देके कहने लगता है ये कि तुम अपने फ्रेंड को डिच करके जाने वाले हो क्या। तो यहाँ पे एकदम रुकता है लियोन और तो यहाँ पे लियोन कहता है तुम भी वही कर रहे हो, और कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे लियोन उससे आगे कहता है जिस पर्सन से तुम प्यार करते हो उसके साथ जाके रहो, ट्राई तो करो और हो सकता है तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये सब कुछ सुनने के बाद ना ये उससे कहता है तुम्हें सिर्फ कुछ दिन हुए हैं रहते हुए क्रांति के साथ और तुम इतना बदल गए हो लियोन। तो यहाँ पे उससे कहने लगता है लियोन तुम मुझे बताओ ये कितने साल हो गए तुम्हारे घर में ड्याओ को रहते हुए, क्या तुमने अब तक फील किया है, क्या तुमने अब तक उसे बताया कि एक्चुअली तुम क्या फील करते हो उसके लिए। तो यहाँ पे कुछ कहने की कोशिश करता है ये, लेकिन लियोन उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है बातों को सोचना और रेज्यूम करना बंद करो कि वो क्या सोचता है, ज़रूरी तो नहीं है जो तुम सोच रहे हो वो भी वही सोचता हो, और तुम्हारे पास अपना घर है फिर तुम यहाँ पर अकेले इस तरीके से क्यों रहते हो। और कहने लगता है अब एक्सक्यूज़ बनाना बंद कर दो। हम देखते हैं यहाँ पे जो ड्रिंक होती है उसे फिनिश करके चला जाता है वहाँ से लियोन, और उसे काफ़ी ध्यान से देखता रहता है यहाँ पे ये। आगे हमें दिखाया जाता है लियोन के घर पे जहाँ पे हम देखते हैं क्रांति को जो कि कैंडल्स जला रहा होता है। तो यहाँ पे ना उसने पूरा कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया होता है और काफ़ी हैप्पी होता है। तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आ जाता है लियोन, वो भी ये सब कुछ देख के स्माइल कर रहा होता है। तो लियोन को देख के यहाँ पे कहने लगता है उससे क्रांति तुम आ गए लियोन, और कहता है क्या तुम टायर्ड हो। लियोन उससे मना करता है और फिर जो डिनर रखा होता है उसे देख के कहने लगता है क्रांति से ये सब कुछ तुमने अपने आप प्रिपेयर किया है क्या। तो यहाँ पे उससे कहता है क्रांति मैं ये सब कुछ कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ, मैंने ये सब कुछ ऑनलाइन मंगाया है डिलीवरी बॉय से। तो यहाँ पे सुन के स्माइल सी करता है लियोन, क्योंकि दोस्तों हमें तो पता ही है कि क्रांति को कुकिंग करनी नहीं आती है तो वो ये सब कुछ कैसे बना सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं क्रांति उसे बहुत स्माइल करते हुए देखता रहता है। तो यहाँ पे लियोन कहने लगता है कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज मेरे घर पे कोई है जो कि मेरे आने का इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पे जो होता है ना क्रांति कहने लगता है कि पहले तुम डिनर करना चाहते हो या फिर शावर लेना चाहते हो। हम देखते हैं लियोन को, वो ना थोड़ा सा क्लोज आता है क्रांति के और उसके हाथों को अपने हाथों में लेके कहने लगता है मैं दोनों चीज़ें एक साथ करना चाहता हूँ। और फिर क्या दोस्तों यहाँ पे जो ये होता है क्रांति उसकी ये बातें सुन के स्माइल करता है। हम देखते हैं यहाँ पे लियोन को जो कि रोमांटिक मूड में आ जाता है एक तरीके से,
और यहाँ पे क्रांति को किस करना शुरू कर देता है। दोनों ही बहुत ही प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आगे कहानी में क्या होगा ये जानेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आपको इंतज़ार करना होगा। साथ में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।